हाय फ्रेंड्स, IQC में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन गो एंड नो गो गेज। तो जो गेज है उसमें दो साइड होते हैं, एक साइड जो है गो लिखा होता है, दूसरे साइड नो गो लिखा होता है। तो जो वर्क पीस, फिनिश्ड वर्क पीस होता है या ड्यूरिंग ऑपरेशन होल वाला जो वर्क पीस होता है उसकी होल साइज चेक की जाती है। अगर होल साइज गो में, अगर गो साइड जब होल में डालते हैं अगर अच्छी तरह से चला जाता है, ज़्यादा ना टाइट ना ज़्यादा ढीला, तो उस हिसाब से एक्यूरेट है साइज। वही अगर नो गो गेज है, नो गो साइड है, उस तरफ से अगर चला जाए तब होगा कि प्रोडक्ट खराब है, क्योंकि नो गो का मतलब जाना नहीं चाहिए वो साइड। तो नो गो साइड नहीं जाना चाहिए, गो साइड आसानी से होल में फिट होना चाहिए, जाना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये है गो एंड नो गो गेज, जैसा कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, ईरर। तो ईरर आइए डिफाइन करते हैं। द ईरर इज मेजरमेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन है, ईरर आइए डिफाइन करते हैं। द ईरर इन मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और एंड ट्रू वैल्यू। मीन्स ईरर जो होता है वो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, दोनों के बीच का अंतर होता है। तो ईरर का फॉर्मूला क्या होगा? ईरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। किसी भी पार्ट की जो है डाइमेंशनिंग लेते हैं तो उसमें जो एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू है जो फिक्स वो रखते हैं, उसको मेजर्ड वैल्यू जो मापते हैं उससे घटा देते हैं। तो ये जो वैल्यू आता है वो ईरर कहलाता है, जो भी उसमें मान आएगा घटाने के बाद नंबर वो ईरर कहलाएगा। टाइप्स ऑफ ईरर है, दो टाइप का ईरर डिफाइन करना है, इसमें लिखना है। तो एब्सोल्यूट ईरर और रिलेटिव ईरर। तो एब्सोल्यूट ईरर क्या होता है? यह जो है अलजेब्रिक डिफरेंस होता है रिजल्ट, मेजरमेंट का जो रिजल्ट होता है उसका, और जो वैल्यू दी होती है उसका, उन दोनों का डिफरेंस होता है। फिर है रिलेटिव ईरर। रिलेटिव ईरर जो है यह रेशियो होता है एब्सोल्यूट ईरर और ट्रू वैल्यू दोनों का, और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ ईरर। थैंक यू।